हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी वीर और मैं हूं आपके साथ कृतिका। करण मेहरा और निशा की लव स्टोरी है काफी फिल्मी। बिना किसी डर के मीडिया के सामने ही कर दिया था करण ने निशा को प्रपोज, पर अब आखिरकार ऐसा क्या हो गया? आखिर क्यों इन दोनों प्यार करने वालों के रास्ते अलग हो रहे हैं, ये फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन यकीनन हर कोई जानना चाहता होगा कि आखिरकार करण और निशा की पहली मुलाकात कैसे हुई थी, कैसे आखिरकार ये दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो गए थे। तो चलिए, हम हाजिर हो चुके हैं आपको बताने के लिए कि आखिरकार करण और निशा एक दूसरे के करीब इतना कैसे आ गए। दरअसल करण एक फैशन डिजाइनर के तौर पर काम कर रहे थे फिल्म हंसते हैं में, और इस फिल्म में निशा एक अहम रोल। फिल्म में निशा के साथ जिमी शेरगिल थे। इस फिल्म के सेट पर दोनों की पहली बार मुलाकात हुई, दोनों की दोस्ती हुई। इसके बाद करण और निशा की मुलाकातें बढ़ी और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया। आपको बता दें कि करण निशा के इश्क में ऐसे डूबे थे कि एक्टर ने मीडिया और सबके सामने निशा को प्रपोज किया था। उस दौरान दोनों की ये फोटोज काफी वायरल हुई थी। जब निशा और करण मिले थे तो शुरू में निशा करण को भाव नहीं देती थी। खुद करण ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा भी किया था। बताया जाता है कि निशा से एक तरफा प्यार करने लगे थे करण मेहरा, वही निशा उन्हें बिल्कुल भी खास नहीं डाला करती थी। आपको बता दें कि करण ने अपने बर्थडे पर निशा को प्रपोज किया था। निशा को करण ने सरप्राइज देते हुए प्रपोज किया था। मीडिया के सामने जिस तरह से उन्होंने पत्नी को प्रपोज किया था, वैसा आज तक कोई शायद नहीं कर पाया। एक दूसरे को प्रपोज करने के बाद दोनों ने करीब 5 सालों तक एक दूसरे को डेट किया। एक दूसरे को लंबे समय तक डेट करने के बाद इन दोनों ने साल 2012 में शादी कर ली। दोनों ने बेहद ही शाही अंदाज में शादी की थी। दोनों की शादी की फोटोज भी खूब वायरल हुई। आप जानते हैं कि करण और निशा का एक बेटा काविश भी है। हालांकि अब शादी के सालों बाद दोनों का रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है। बीते काफी दिनों से करण और निशा के रिश्ते के टूटने की खबर आ रही है। अब हाल ही में खबर आई है कि करण मेहरा को घरेलू झगड़े मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। रात भर पुलिस स्टेशन में रहने के बाद अब करण को बेल मिल गई है। इससे साफ हो रहा है कि दोनों के रिश्ते में अब पहले जैसा प्यार नहीं रहा। इस वीडियो में इतना ही।